मार्क रेट है मैम एवरेज है हाँ एवरेज रू टिके अधिक होई छ भलो क्वेश्चन लेवल केमती थिला इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट मॉडरेट रू टिके अधिक कहि परिबे तो डिफिकल्ट थिला क्वेश्चन बिटवीन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट प्रिपरेशन करूथिले सेल्फ प्रिपरेशन मैम एक्सटर्नल हेल्प मु पूर्वरु कोचिंग नै छी कोठु कोचिंग नउ थिले मु बानिक रु नउ थिले बानिक रो एक स्टूडेंट आपण ओके केमती थिला आपनक एग्जाम हां एग्जाम तो भल है छे क्वेश्चन लेवल केमती थिला क्वेश्चन लेवल ओवर ओवर नहीं जीएस एप्टीट्यूड इंग्लिश केमती थिला हां नहीं मॉडरेट थिला सब क्वेश्चन मॉडरेट थिला इंग्लिश ठीक इजी थिला इंग्लिश इजी बाकी प्रिपरेशन ऊपर डिपेंड करे जे जेंती प्रिपरेशन है कि आपनक एग्जाम हां एग्जाम तो भल है छे आपनक भल जाय के बेटू प्रिपरेशन करूथिले एसो पई ना एसो पई तो सिंस 2 इयर्स हला मो प्रिपरेशन करलानी पढु छंती केते घंटा पाठ पढंती दिन को दिन को 7 to 8 आवर्स प्रिपरेशन रे दिया सेल्फ प्रिपरेशन करू छंदी ना कोडी कोचिंग एंड एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं सेल्फ प्रिपरेशन ओके कोडी एठी भुवनेश्वर रे ओके ओके एग्जाम ताले आपण को भलो ही जाय हां एग्जाम भलो है ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू सो मच ओके केमती खेला आपण को आज एसओ एग्जाम जति आशा करथिन ताडू भी भलो होई छे एकदम भलो जे आपन की जणा पडतंती क्वेश्चन लेवल केमती थेला इजी और हार्ड और मॉडरेट मु तो कोई भी एतरा भी हार्ड नो माने जति हमें मॉडरेट को इजी टू मॉडरेट ओके दोसरो प्रिपरेशन गो टू एक्सटर्नल सोर्सेस करू थेले ना सेल्फ प्रिपरेशन प्लस किछि ऑनलाइन मटेरियल ए सब जिंस ऑनलाइन मटेरियल कलेक्ट कर के पडले इ भुवनेश्वर रे ना हमरो जी ब्रह्मपुर केपेटु आपण एसो पई प्रिपरेशन करू छन जी लास्ट 1 इयर 1 इयर हलाणी आपण एसो पई टोट खेले केते घंटा पाठ पढन दिन न को आबे मु फ्रेंकली गए बोले जे त मु पार्ट टाइम जॉब कर छी त मु आपे 2 घंटा स्पेयर करे ओके डेली 2 घंटा पाठ पढन दी और एग्जाम भलो हो जाई ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट थैंक यू एग्जाम भलो थिला बस जीके पार्ट टिके मोर प्रिपरेशन दे एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चन लेवल केमती थिला क्वेश्चन लेवल भलो थिला मतलब इजी मॉडरेट और हार्ड मींस जो एप्टीट्यूड है वो जीके एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश पार्ट टा मॉडरेट एंड इजी भी कह परबे बट जीके टा मो वाइज टिके मॉडरेट थिला हां ओके आपन प्रिपरेशन केमती करू थिले मैम सेल्फ प्रिपरेशन हां सर एक्सटर्नल सोर्सेस थ्रू नो सेल्फ प्रिपरेशन ही करू थिले ओके दिनो को केते घंटा पाठ पढंती मैम दिनो को एक्चुअली मो 3 टू 4 आवर्स ही पढे डेली 3 टू 4 आवर्स पाठ पढंती हां ओके आपन कर एग्जाम ओवरऑली भलो जाई छी हां ओके मैम थैंक यू ठीक थिला इंग्लिश आस्तिला एप्टीट्यूड थिला और रीजनिंग थिला सब मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस थिला और भलो हिचे एग्जाम भलो हिचे केमदी प्रिपरेशन करथिले सेल्फ प्रिपरेशन केबेडु पढु किले मैम ए समय जस्ट मो बैंक से सब प्रिपेयर करली तो सेत पे प्रैक्टिस चल थिला मोर ओके दिनो को केते घंटा पाठ पढाती सेमि तो मैडम मो 2 टू 3 4 आवर्स ही पढे 3 टू 4 आवर्स पढाती ओके मैम ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू रिजल्ट का हां माने एग्जाम भलो थिला पेपर भी ठीक ठाक थिला रीजनिंग पूरा इजी थिला आउ इंग्लिश ऊपर टिके हार्ड लागथला मैथ टिके हार्ड थिला आउ सब हार्ड थला आपण हां हां ओके प्रिपरेशन करथले हां हां सेल्फ प्रिपरेशन सब कोचिंग नहीं ना नहीं केते दिनो पढुथले मैडम दिनो को मिनिमम 4 आवर्स डेली 4 आवर्स पढुथले एटी भुवनेश्वर रे आपण हां हां भुवनेश्वर रे ओके तो आपण पर मतलब रिजल्ट पे एक्सपेक्टेशन रखु जल्दी हां एक्सपेक्टेशन तो अच्छी एग्जाम अच्छा था मॉडरेट प्रिपरेशन क्वेश्चन लेवल कैसा था क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था ओके मतलब इजी टू मॉडरेट था कैसा गया आपका एग्जाम अच्छा हुआ है और बेटर हो सकता था मैथ्स पोर्शन थोड़ा लेंथी लगा मतलब कैसे करते थे सेल्फ प्रिपरेशन और एनी एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं मैं मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही करता हूं सेल्फ प्रिपरेशन कितने घंटे पढ़ते थे डेली बेसिस पे 2 टू 4 आवर्स बहुत ज्यादा तो प्रिपरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि जॉब होल्डर हूं इसलिए ओके जॉब कर रहे हैं जी कब से प्रिपरेशन कर रहे थे एसओ के लिए ऑलमोस्ट लास्ट 8 मंथ्स से ओके 8 मंथ्स से आप एसओ के लिए पढ़ रहे थे एग्जाम वाज गुड और बेटर हो सकता था मैथ्स पोर्शन थोड़ा लेंथी लगा मेरे को ओके और सेल्फ प्रिपरेशन करके ही जी ओके फाइन एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू ओके थैंक यू